हेलो एंड वेलकम बैक टू दी सिविल इंजीनियरिंग विथ एमएसए इम्प्रूव योर नॉलेज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं जी, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं बोल्टेड कनेक्शन से रिलेटेड। अभी तक हम लोगों ने खूब सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं और आज जो है हम लोग एक आखिरी बोल्टेड कनेक्शन से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इसमें जो है वो सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे और एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, वो है पैकिंग प्लेट का। अभी तक इसका हम लोगों ने न्यूमेरिकल नहीं किया था कि डबल कवर बट जॉइंट है और उसमें हम लोगों ने पैकिंग प्लेट भी लगा दिया है। ठीक है, तो आइए बिना समय को बर्बाद किए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन जब सामने आ जाए तो फंडा बिल्कुल वही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बात कर ले, पूछिए जरा इससे। ये देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि टू प्लेट है। ठीक है भाई, दो ही प्लेट होगा तभी तो जोड़ेंगे, ये कोई कौन सी नई बात तो नहीं है ये। लेकिन इसका थिकनेस जरा सा देखिए, ये आपको परेशान करेगा। ये थिकनेस कहता है कि थिकनेस 10 mm एंड 18 mm। अब जरा मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर रुक जाना चाहिए हम लोगों को। जैसे उसने थिकनेस के बारे में कुछ कहा ना, ऐसा कुछ होगा। ये मान लीजिए 10 mm थिकनेस है, सॉरी ये अगर मान लीजिए 18 mm थिकनेस है, ये मान लीजिए आपका 10 mm थिकनेस है। यानी क्या है भाई, एक मोटा है बेचारा और एक पतला सा प्लेट है। जब इसको हम लोग कवर प्लेट ऊपर और नीचे लगाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक गैप बन जाएगा। क्वेश्चन को यहीं पर रोक करके इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बात पर ही इम्प्लाइड है कि आपको एक पैकिंग देना पड़ेगा। तो आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ एक फिलर देना पड़ेगा ना, इसी फिलर को हम लोग नाम देंगे पैकिंग प्लेट। ठीक है, क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट, कैसे इसको यूज़ करते हैं बताऊंगा भी। अच्छा, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। क्या है भाई कि जॉइंट बाय डबल कवर बट जॉइंट, ठीक है, डिज़ाइन द जॉइंट। देखिए बहुत सियाणा सा सवाल है ये कि डिज़ाइन द जॉइंट में आपके ऊपर नहीं छोड़ा, सब कुछ बता दिया इसने। यानी कुछ तो बात है, कुछ तो राज इसमें छुपा हुआ है। क्या क्या डिज़ाइन करना है हमको, नंबर ऑफ बोल्ट, बोल्टिंग पैटर्न भी हमको बताना है, पिच डिस्टेंस एंड एंड डिस्टेंस भी बताना है। इसका मतलब क्या है कि आप जो मिनिमम लेकर के आज तक चलते थे ना, इससे काम नहीं होगा, आपको कुछ नया फंडा लगाना पड़ेगा और एग्जैक्ट आपको पिच डिस्टेंस बताना पड़ेगा और इन डिस्टेंस भी आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें दे देता है। क्या दे देता है आपको, कह दिया है कि भाई लोड जो इसमें लग रहा है ना वो फैक्टर्ड ही लोड है और 750 kN है, बोल्ट का डायामीटर 20 mm दे रखा है, ग्रेड ऑफ स्टील दे रखा है, ग्रेड ऑफ बोल्ट दे रखा है, और एक चीज़ बता दिया है इसने कि दो कवर प्लेट लगाया गया है ईच साइड में जिसका थिकनेस 8 mm है। यानी यहाँ पर जो कवर प्लेट है इसका भी थिकनेस 8 mm है और यहाँ पर जो कवर प्लेट है इसका भी थिकनेस क्या है, 8 mm है। ये देखिए इतने प्यार से आपको क्यों बता रहा है कवर प्लेट का थिकनेस, क्योंकि इसको पता है कि ये पैकिंग प्लेट तो आपको डिज़ाइन करना ही पड़ेगा ना, यानी परेशान तो आप हो ही जाइएगा। तो चलिए, ये हमको परेशान करना चाहता है और हम जो है इससे परेशान होने वाले नहीं है, क्योंकि इतना हम लोग सीख चुके हैं कि अब तो ये मजाक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके लिए मैं कर लूँ खुद को गायब। अब देखिए सवाल में पहले जो जो चीज़ें दी हुई है उसको पहले हम लोग लिख लें और उसके बाद फिर जो है हम लोग सॉल्व करते हैं वन बाय वन। और इस क्वेश्चन को जैसे जैसे मैं सॉल्व करूंगा ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि तब जाकर के समझ में आएगा कि इसने क्या चालाकी की है और हमें क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे उस चालाकी के अगेंस्ट। देखिए आपको दे क्या क्या रखा है, पहली बात तो कर देते हैं हम कि दे रखा है आपको Fu की वैल्यू। Fu कितना दे रखा है इसने, 410 N/mm², बहुत बढ़िया। अच्छा FUB भी बता दिया है ना इसने, क्योंकि 4.6 ग्रेड का बोल्ट है आपके पास, तो FUB कितना हो जाएगा, FUB हो जाएगा 400 N/mm². कहाँ से मिलेगा आज फिर बता देता हूँ कि टेबल नंबर 1 पे मिलेगा, पेज नंबर 13 में, ताकि जो आदमी डायरेक्ट ये देख रहा है ना ये वाला वीडियो वो भी कन्फ्यूज ना हो। डाया ऑफ बोल्ट की बात कर लेते हैं, डाया ऑफ बोल्ट कोई नई बात है क्या, ना ना बहुत पुरानी बात है, 20 mm। और 20 mm डाया बोल्ट के लिए आप डाया ऑफ होल बता दीजिएगा, भाई होल तो थोड़ा बड़ा करना ही पड़ेगा ना, तो कितना बड़ा करेंगे, 2 mm, तो कितना हो जाएगा, 22 mm। अच्छा ये 2 mm आपने कहाँ से बताया, आपसे कोई पूछ लेता आप बोलिएगा कि आप जाइए IS कोड में, टेबल नंबर 19 है, पेज नंबर 73 में देखिए ये बात लिखी हुई है। अच्छा उसके बाद आप और चीज़ बता सकते हो, जो हम लोगों ने लास्ट में बात किया था γmB, लास्ट क्लास में ये बात किया था हम लोगों ने, γmB 1.25 होता है और गामा ऑफ M1 कितना होगा, ये भी आपका 1.25 होगा γmB। ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएंगी भाई, टेबल नंबर 5 में मिल जाएगी और पेज नंबर 30 जो है उसमें ये चीज़ मिल जाएगी। अच्छा पैकिंग प्लेट कितना यूज़ होगा ये यहीं पर निकाल लेते हैं। अभी आपको बताया ना मैंने कि 10 mm है और 8 mm है, तो अगर कोई मटेरियल इस तरह से आपने फिक्स किया है कि यहाँ मान लीजिए, सॉरी ये मान लीजिए आपका कि ये आपका हो गया 18 mm और इसमें एक प्लेट आपने मान लीजिए नीचे लगाया है, इसका थिकनेस बता दिया इसने, कितना बता दिया भाई 10 mm, तो ये जो जगह बचती है फिलर, ये जो फिलर है यानी जिसको आप कहिएगा क्या पैकिंग प्लेट है, ये कितना होगा भाई, टोटल में से
10 mm को माइनस करते जितना बचेगा वही तो होगा ना। ये कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन है क्या? नहीं, बहुत आसान सी बात है। क्या है? पैकिंग, इसको नाम देते हैं पैकिंग प्लेट, है ना। थोड़ा क्या है कि स्टैंडर्ड नाम भी ध्यान में रखना पड़ता है। पैकिंग प्लेट थिकनेस, थिकनेस इज इक्वल्स टू 18 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8 mm। स्टैंडर्ड नाम ध्यान रखिएगा ना, कभी साइट वूट पे जाइएगा बोलिएगा, बड़ा मजा आएगा, तो लगता है सिविल इंजीनियर है। अब आगे का काम करते हैं, है ना। स्लाइड को चेंज करते हैं हम लोग और क्या निकालेंगे। अब देखिए, जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ उसी तरह से काम करेंगे कि द थिकनेस ऑफ पैकिंग इज मोर देन 6 mm। यहाँ पर देखिए, हमारा जो थिकनेस आया था किसका, पैकिंग का, वो कितना आया है 8 mm। अब ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कितना है भाई, 6 mm से तो बड़ा है ना। तो आपको ये बात लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको क्लॉज यूज करना है ना कोड का। वो कौन सा, मैं बताता हूँ। द थिकनेस, थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट, थोड़ा एग्जाम में भी लिखना पड़ता है इसलिए मैं भी लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको ऐसा ना हो कि ये ना समझ में आए लिखना क्या है एग्जाम में। मोर देन 6 mm, तो क्या हो जाएगा भाई, 6 mm से बड़ा हो गया तो ये होगा कि द शियर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, जॉइंट विल हैव टू बी रिड्यूस रिड्यूस बाय द यूज ऑफ कॉफिशियंट। क्या नाम है कॉफिशियंट का? बीटा पीकेजी। देखिए, आईएएस कोड ने कहा रिड्यूस करना है। रिड्यूस का मतलब ये होगा कि आपको बीटा पीकेजी का वैल्यू फाइंड आउट करना है और जो आपका शेयरिंग स्ट्रेंथ आ रहा है उससे गुना करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ ना बीटा पीकेजी, और ये जो आपके साथ कोड ने बदमाशी की कि 6 mm से ज़्यादा हो गया तो आपको रिड्यूस करना होगा। कैसे रिड्यूस करना होगा? 1 -0.0125 FPK, सॉरी TPK, है ना, TPK। ये आपको चीज़ कहाँ पर मिलेगी जरा सा चेक कीजिएगा। ये है एज पर IAS, कौन सा IAS, 800, कितने साल वाला भाई, 2007 साल वाला, इससे पहले वाले से मतलब क्या है अपने को। क्लॉज नंबर 10.3.3.3, पेज नंबर भी बता दूं। अच्छा लो, बता देता हूँ, पेज नंबर किसका हो जाएगा, 75। मानता नहीं है, कभी कभी मिट जाता है बेचारा। यहाँ पर देखिएगा, आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा और ये बात भी मिल जाएगी कि 6 mm से ज़्यादा है तब आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर 6 mm या 6 mm से कम है तो आपको रिड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप बीटा पीकेजी का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। बीटा पीकेजी आपके पास क्या आ जाएगा? बीटा पीकेजी आपके पास आ जाएगा, वैल्यू को रखते हैं 1 -0.0125 इंटू कितना है भाई, अपने पास थिकनेस कितना आ रहा है पैकिंग प्लेट का, 8 mm। तो 8 mm है तो जरा इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो 0.9, ये फैक्टर आ गया। अब आपको डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना है और उसको क्या करना है, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर ये वाला काम कर लेते हैं। देखिए, बोल्टेड कनेक्शन में आप जो है शेयरिंग बेयरिंग से बच तो सकते नहीं है ना, निकालना तो पड़ेगा। डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन डबल शेयर, डबल शेयर पर पीच। देखिए, अब सारा काम पर पिच पे होगा क्योंकि पर पिच पे पिच ना, पर पिच पे क्यों होगा ये आपको समझ में आएगा क्योंकि पिच लेंथ तो हमको निकालना ही है ना। देखिए, ये आपको मिलेगा वही है ना, इस पे बस थोड़ा सा मैंने स्टेटमेंट जो है थोड़ा क्लियर लिखने की कोशिश की। 10.3.3 में आपको मिलेगा, पेज नंबर 75 में मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा VDSB, वही 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 पुराना चीज़, FUB डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी, γ MB अंडर √3 NNANB प्लस NSASB। अब क्या करना होगा, चूंकि 6 mm से ज़्यादा है ना पैकिंग प्लेट, तो आपको बीटा पी के जी से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही है कोड का रिडक्शन।
तो यहां पर जरा सा देखिए, अब दो चीजों को समझ लिया जाए, क्योंकि डबल शेयर का केस है, क्यों? क्योंकि डबल कवर बेड ज्वाइंट है, तो NN इज इक्वल टू तो 2 हो जाएगा। मानते हैं हम ये कि पूरे के पूरे बोल्ट के शंक में थ्रेड बना हुआ है, प्लेन शंक से हमको मतलब नहीं है, तो हमने 2 लिख दिया NN की वैल्यू। तो जब NN आपने 2 लिख दिया तो ANB भी जरा सा कैलकुलेट कर लीजिए, तो बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए। ANB आपके लिए कितना आ जाएगा भाई, 0.78, यहीं पर छोटा सा कर लेते हैं ना, पाई बाई 4, अब तो याद हो ही गया होगा ना, 20 का स्क्वायर, इसको जरा कैलकुलेट कीजिएगा, तो बताया था ना राउंड फिगर की वैल्यू आएगी 245 mm का स्क्वायर। जरा ये सारे वैल्यूज को उठाइए और प्यार से पटक दीजिए, है ना, लिखना पड़ेगा, करने से होगा, ऐसे थोड़े होगा। 400 डिवाइडेड बाई गामा एम बी 1.25 अंडर रूट 3, NN की वैल्यू कितनी होगी 2, ANB की वैल्यू आपने कितनी निकाली 245, अच्छा NS क्या हो जाएगा 0 इंटू ASB इंटू बीटा पीकेजी आपने निकाला 0.9। अब जरा आप इसको बहुत प्यार से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको मिलेगा वैल्यू कितना मिलेगा, 81475.6 न्यूटन। अब आप कहिएगा कि इसको जरा आप कैलकुलेट करके दिखाइए किलो न्यूटन में, तो मैं कहूँगा बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन आपने करने को कह दिया, ये हो जाएगा 81.47 किलो न्यूटन। 3 डिजिट के बाद क्या करेंगे, डेसिमल को लगा देंगे। तो देखिए आपने शेयरिंग स्ट्रेंथ निकाल लिया है ना, डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ कब, जबकि आपने क्या यूज़ किया है भाई, पैकिंग प्लेट यूज़ किया है, पैकिंग प्लेट का जो थिकनेस था वो कितना था भाई, 6 mm से ज़्यादा था, इसलिए आपने क्या यूज़ किया, रिडक्शन फैक्टर यूज़ किया, और रिडक्शन फैक्टर बीटा पीकेजी की वैल्यू कितनी आती, 0.9, उनसे मल्टीप्लाई करके ये बात आपने निकाल दी। अब देखिए नेक्स्ट पेज में एक कुछ नया टाइप का काम करूँगा, और ये काम करने के बाद आप थोड़ा सा अपना सर खुजाओगे। देखो करने क्या वाला हूँ, यहाँ पर मैं एक बात लिखूंगा मैं एज्यूमिंग द स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बियरिंग पर, उसमें पर पिच लिखा था ना, इसमें पर पिच लिखता हूं, पर पिच लेंथ टू बी, अरे मान जा, टू बी मोर देन दैट इन शीयर। भाई ये मैंने एज्यूम किया कि बियरिंग की जो वैल्यू है ना वो शियरिंग से ज्यादा आएगी, क्यों एज्यूम किया जरा सा आप इस बात को समझिए, कि मैं इसको थोड़ा सा लिख करके आपको दिखाऊं कि आप जब बियरिंग निकालते थे तो आप एक केबी यूज करते थे, केबी के लिए आपको क्या चाहिए होता था, ई और पी का वैल्यू चाहिए होता था, तभी तो आप बता पाते थे ना कि केबी की लिस्ट वैल्यू क्या है। ई और पी आपको जब तक नहीं पता है तब तक आप केबी नहीं निकाल सकते, और इस क्वेश्चन में हमको ई और पी तो निकालना है ना, तो फिर हम कैसे अभी जो है वो बियरिंग का आपको चेक लगा दें। तो हम लोग ये मानते हैं कि बियरिंग स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है, और जब क्वेश्चन आखिरी होगा तो हमको ये बात लिख करके और प्रूफ करना पड़ेगा कि बियरिंग स्ट्रेंथ सच में शियरिंग से ज़्यादा है, नहीं तो ये हमारा एजम्पशन जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो अभी तो हम लोगों ने मान लिया है कि बियरिंग जो है वो क्या है भाई, बियरिंग है वो शियरिंग से ज़्यादा है। तो अगर ऐसा होगा तो आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ बोल्ट बताइए, तो आप बड़े प्यार से बता दीजिएगा नंबर ऑफ बोल्ट्स ना रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, जो फैक्टर्ड लोड आपको दे रखा है, मेरे ख्याल से 750 दे रखा होगा, 750 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी, अब चूंकि बियरिंग तो आपने निकाला नहीं, बियरिंग आपने मान लिया है कि बियरिंग जो है वो शेयरिंग से ज़्यादा है, तो डायरेक्ट यहाँ पर शेयरिंग वाली ही वैल्यू को लिखता हूँ 81.47, इसको जरा आप कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो 9.20 यानी 10 बोल्ट आएगा। देखिए स्टील इसीलिए टफ हो जाता है ना कि जो आप काम करते हो ना उसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन अगर आपके पास नहीं है तो फिर वो उलझते चला जाएगा। तो हम लोग एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को काम में आगे बढ़ाएं। अब जरा एक और बात करते हैं, हम लोग क्या बात करते हैं, नंबर ऑफ बोल्ट आपने बता दिया, आपसे और क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि भाई जो आपका बोल्टिंग का पैटर्न है वो क्या होगा, तो आप इसको लिख दीजिए यहाँ पर, चूंकि वो पूछा है तो आपको लिखना पड़ेगा, प्रोवाइड द बोल्ट्स ढेर सारे हो गए ना इन टू रो, ठीक है, दो रॉ में आप दे रहे हो, ठीक है, एक प्लेट में दो रॉ यानी 5-5 करके 10, तो किस कैसा पैटर्न आप दे रहे हो इसको, चेन पैटर्न है ना। इस न्यूमेरिकल को बड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर कुछ भी मिस हुआ रहा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सिंस मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रह जाए, सिंस देयर विल बी, पहले लिख लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस कहना क्या चाह रहा है, विल बी टू बोल्ट पर पिच
पिच लेंथ, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट पर पिच। देखिए आज सारी बात हम लोग पर पिच पे ही कर रहे हैं ना, एक पिच पर पिच, पर पिच लेंथ ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शियरिंग, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बोल्ट्स कितना हो जाएगा भाई, 2 × 81.47, ये आपका आ जाएगा 162.94 किलो न्यूटन। देखिए यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है, इसको जरा सा अगर हम लोग डायग्राम से समझें तो बड़ा मज़ेदार होता है। देखिए डायग्राम मैंने बना रखा है, यहाँ ये कहना चाह रहा है कि देखिए आपने जो है वो 10 बोल्ट फाइंड आउट किए। अब डायग्राम में देखिए हम लोगों ने क्या लिखा कि 2 रॉ हम लोग दे रहे हैं, दैट मीन्स क्या है कि अगर मैं इसका प्लान एक बनाने की कोशिश करूँ, है ना, सॉरी बड़ा पतला दुबला सा प्लान बन गया यार, इतना पतला दुबला सा प्लान में काम नहीं चलेगा। देखिए अगर मैं इसका प्लान बनाने की कोशिश करूँ, है ना, एग्जैक्ट तो बड़ा मुश्किल है, एक ही प्लेट पे, है ना, एक प्लेट पर आपने कितना प्रोवाइड किया है 10, तो 1 2 3 4 5, है ना, समझने के लिए। तो देखिए जरा अगर मैंने इस तरह से बोल्ट प्रोवाइड कर दिया ना 10 बोल्ट, अब जरा देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि पर पिच पर बात कर रहे हैं हम लोग, और हम लोगों ने क्या एज्यूम किया कि बियरिंग स्ट्रेंथ जो है वो तो ज़्यादा है किससे, शियरिंग से, यानी कि अगर डिज़ाइन स्ट्रेंथ मुझे चाहिए होगा तो मैं शियरिंग वाली वैल्यू को लूंगा, और शियरिंग में अगर मैं पर पिच पर बात कर रहा हूँ तो एक पिच में नंबर ऑफ बोल्ट कितने आ रहे हैं, ये पहला बोल्ट और ये दूसरा बोल्ट, 2 बोल्ट आ रहे हैं, यानी डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ को आप क्या कीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। पर पिच लेंथ पर जितने बोल्ट आ रहे हैं उतने बोल्ट से आपने क्या किया, आपकी जो शियरिंग स्ट्रेंथ थी उसको मल्टीप्लाई करके आपने एक वैल्यू फाइंड आउट किया। क्यों किया ये एक सवाल है, और इसका जवाब आपको अभी मिलेगा जब मैं नेक्स्ट बात लिखूंगा, क्योंकि बात लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर आपने बात को नहीं लिखा, तो आपने किया ये काम, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं हम लोग कि नाउ जब इतना काम कर लिया तो इक्वेटिंग, इक्वेटिंग द स्ट्रेंथ, अच्छा इतना झोल झमेला हम लोग क्यों कर रहे हैं, पिच निकालने के लिए और कुछ नहीं, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शियर पर पिच लेंथ टू द नेट टेंसाइल, टू द नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट पर पिच लेंथ, यहां भी क्या होगा पर पिच लेंथ, देखिए एक बात आपको मैं बता रहा हूं कि आज तक जितना आपने सवाल बनाया है यहां पर आप लोगों ने क्या किया है, थोड़ा समझने के लिए इसको जरा ध्यान से समझिए कि आप 3 काम करते थे, 3 काम क्या करते थे, आप पहले शेयरिंग फाइंड आउट करते थे, बियरिंग फाइंड आउट करते थे, और टियरिंग या फिर टेंशन फाइंड आउट करते थे। अच्छा अब इसमें आप लोग क्या करते थे कि आप मिनिमम की तरफ जाते थे, जो मिनिमम होता था उसको आप लोग क्या एज्यूम करते थे कि ये डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट है, ठीक है। सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि शेयरिंग की जो वैल्यू आई है वो मिनिमम है, इसका मतलब क्या है कि ये जो मिनिमम है इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ज्वाइंट को डिज़ाइन कर दूं तो मेरा जो ज्वाइंट है वो बियरिंग के लिए भी सेफ होगा और टियरिंग के लिए भी सेफ होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर इस तीनों में मिनिमम है, देखिए जरा सोचिए इस बात को सोचिए कि अगर मान लीजिए आपके पास शियरिंग की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 किलो न्यूटन आती है, 2 किलो न्यूटन, ठीक है, मान लीजिए बियरिंग की वैल्यू 3 किलो न्यूटन आती है, मान लीजिए टियरिंग की वैल्यू आपके पास 4 किलो न्यूटन आ जाती है, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास वैल्यूज आ गई। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग यानी शियरिंग के अकॉर्डिंग मैं जॉइंट को डिजाइन कर दूंगा तो यहां देखिए इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये 4 किलो न्यूटन तक का बोझ सह सकता है, ठीक है, और मैं इसमें क्या करूं अगर 2 किलो न्यूटन का बोझ अगर इस पे डालूं उतना तो वो सह ही सकता है। यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर लगाएंगे और इससे हम लोग पिच डिफाइन करेंगे कि भाई अगर शियरिंग के लिए ये सेफ है
तो जितना शेयरिंग के लिए बात बननी चाहिए यानी जितना शेयरिंग के लिए लोड आना चाहिए उतना में टीयरिंग के लिए तो सेफ होगा ही होगा। तो जरा अगर ये सेफ होगा तो इसको हम लोग जरा लगाते हैं पर पिच के हिसाब से और जरा चेक करते हैं कि पिच लेंथ कितना आएगा, इसके अकॉर्डिंग पिच लेंथ कितना आएगा। ठीक है, हर बार हम लोग क्या करते थे, सवाल से जवाब निकालते थे ना, इस बार क्या करेंगे, जवाब से सवाल निकालेंगे। देखिए मैं लिखता हूँ, बिना लिखे नहीं काम होगा, इसीलिए जरा मजबूरी है, इसके लिए मैं पहले सॉरी बोल देता हूँ। द पिच ऑफ द बोल्ट ऑफ द बोल्ट कैन बी, देखिए सारा झमेला इसी के लिए था, कैन बी डिटरमाइन। कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखिए एक फॉर्मूला आपके पास था, आप क्या कहते थे, टी डी एन इज इक्वल टू, आप लिखते थे, पहले मैं बेसिक फार्मूला लिख देता हूँ ना, 0.9 इंटू एफ यू ए जी डिवाइडेड बाई गामा ऑफ एम वन। अब इसको जरा सा आप लोग जब चेंज करते थे, ए जी इक्वल टू आप लोग क्या बताते थे, आप बोलते थे बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी बताते थे। ठीक है, अगर इसको यहाँ पर मैं रख दूँ इस ए जी की वैल्यू को तो क्या आ जाएगा, 0.9 एफ यू, सॉरी एफ यू बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाई गामा ऑफ एम वन होना ये चाहिए था। लेकिन चूंकि अब हम सारा बात किस पर कर रहे हैं, पर पिच लेंथ के लिए कर रहे हैं, तो अब देखिए एक पिच लेंथ में क्या होगा, पहले क्या था, ग्रॉस एरिया हम लोग निकाल रहे थे ना टोटल प्लेट का, अभी हम जो एरिया फाइंड आउट करेंगे वो पर पिच लेंथ के लिए करेंगे, है ना। यानी कि एक छोटा सा अगर मैं डायग्राम बनाऊं, देखिए ये अगर आप दो तीन बार इसको देखिएगा ना इस वीडियो का, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी क्या है, देखिए दो बोल्ट है मेरे पास, है ना, तो अब मैं पर पिच लेंथ के लिए काम करूंगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर लाइन ऑफ एक्शन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पिच डिस्टेंस हो जाएगा। तो पर पिच डिस्टेंस पर कितना टेंशन आएगा प्लेट पर, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 0.9 एफ यू, कोई चेंजेस नहीं, गामा ऑफ एम वन, यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, अब बी की जगह मैं यूज करता हूं पी, पहले क्या था टोटल विड्थ तो देखते थे, लेकिन अब बी की जगह मैं चेंज कर रहा हूं पी, पी माइनस एन डी नॉट इंटू टी। ठीक है, अब चूंकि मैं पर पिच के लिए देख रहा हूं, तो एक पिच में आप देखिएगा कि नंबर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन एक पिच में, ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक आपके पास जो डिस्टेंस बनेगा एक पिच बनेगा, तो यहां से अगर बोल्ट को अगर टूटना, प्लेट को टूटना होगा, तो यहां पर कितना बोल्ट होगा, एक ही बोल्ट होगा, क्योंकि मैं एक पिच के लिए बात कर रहा हूं, बार बार ये बात कह रहा हूं, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए, आज का सारा कैलकुलेशन लोग एक पिच के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर ये यहां से अगर मान लीजिए टूट रहा है, एक पिच में दो बोल्ट है, यहां से टूट रहा है, तो नंबर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन आपके पास कितना बनेगा, वन बनेगा, यहां पर कोई तकलीफ की बात नहीं होनी चाहिए। तो जरा आप इसको नेक्स्ट पेज में मैं लिखूं अगर, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या बात कर रहे थे हम लोग, अब जरा सा वैल्यूज को पहले लिखता हूँ फिर मैं बताता हूँ करना क्या चाह रहा हूँ। टी टी एन इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 0.9 एज इट इज है, ये हो जाएगा 410 डिवाइडेड बाई गामा ऑफ एम वन, गामा ऑफ एम वन की वैल्यू लिख लेते ना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आदत हो गया बार बार फार्मूला लिखने का ना, इतना बार तो फार्मूला लिख लिया है ना जिसका कोई जवाब नहीं है, 1.25 इंटू, देखिए पिच अभी हमको पता नहीं है और यही तो फाइंड आउट करना है ना, लेकिन वन इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन एक बोल्ट, अभी आपको बताया डाया ऑफ बोल्ट कितना है 22 और थिकनेस हमारे पास कितना है भाई 10 mm है, दो प्लेट थे ना, एक 18 और एक 10 का, तो मिनिमम कौन सा है भाई 10 वाला है। अच्छा जरा साहब एक बात समझिए, यहाँ पर इक्वेशन एक है और अननोन दो है, एक तो है टी डी एन और एक है पी, मैं टी डी एन की जगह उस वैल्यू को रखता हूँ जो हम लोगों ने शेयरिंग को डबल करके निकाला था। ठीक है, ये मानेंगे क्योंकि वो कम वैल्यू है तो उसके लिए तो ये इक्वेशन जो है वो कोई दिक्कत नहीं करना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू को जो डालेंगे और हम लोग देखते हैं कि पिच कितना आ जाएगा, बड़ा सिंपल है ये। तो हम लोगों ने कितना निकाला था, 162 निकाला था, ठीक है 162.94, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको ये दिखा दूँ कहाँ पर निकाला था, ये देखिए अभी हम लोगों ने निकाला था 162.94 किलो न्यूटन, ये लोड एक पिच में दो बोल्ट है, दो बोल्ट के लिए हम लोगों ने देखा था शेयरिंग स्ट्रेंथ कितना होगा। अब जरा सा हम लोग क्या करेंगे, 162.94 ये तो किलो न्यूटन है ना, इसको मैं न्यूटन में कन्वर्ट कर दूं, इज इक्वल टू 0.9 इंटू 410 डिवाइडेड बाई 1.25 पी माइनस 22, अब डायरेक्ट लिख देता हूँ 10, ये बन गया एक इक्वेशन, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से कैलकुलेटर में, बड़े प्यार से सॉल्व हो जाएगा, आप सॉल्व करके देखिएगा तो पी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 77.19। देखिए अगर आप मिनिमम पिच निकालते ना तो कितना होता मैं आपको बताऊं,
अगर आप मिनिमम पिच अगर बताते तो क्या बताते, आप बोलते हैं कि सर 2.5 इंटू डी आप यूज करिएगा, है ना। जब आप 2.5 इंटू डी आप यूज करते हैं तो जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम लोग कितना होता है। 2.5 इंटू डी जब आप यूज करते तो होता है यहां पर आपका 50 mm, लेकिन देख रहे हैं यहां पर ये शियरिंग का ही हम लोगों ने डबल रखा तो ये कितना मांग रहा है 77। इसका मतलब क्या है कि जो मिनिमम पिच अगर आप प्रोवाइड करते तो सेक्शन हो जाता फेल, इसीलिए ये सारा झोल झमेला हो रहा था। इसलिए मैं कहता हूँ ना लास्ट तक देखिए, जब तक आप लास्ट तक नहीं देखिएगा ना आप कन्फ्यूजन नहीं क्लियर होंगे, बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। फिर ये आपने निकाल लिया तो अब बड़े प्यार से लिख दीजिए कि ये आपने दूसरा चीज भी सॉल्व कर दिया है। लेट अस प्रोवाइड पिच पी इज इक्वल टू 80 mm। अगर आपको डीएसएस में कोई टफ सवाल देना हो ना किसी को बोल्टेड कनेक्शन से तो यही देगा, इससे ज्यादा टफ नहीं हो सकता ना। अब देखिए दूसरा काम क्या करते हैं, पी तो आपने बता दिया, अब मैं करता हूं फिर एज्यूम एंड ई एंड एज्यूम टू मिनिमम वैल्यू ऑफ ई। मिनिमम वैल्यू ऑफ ई कितना हो जाएगा जी, 1.5 इंटू 22 डायमीटर ऑफ होल, तो ये आ जाएगा आपका 33 mm। देखिए ये भी अभी तक एज्यूम किया, दो चीज़ें आपने एज्यूम किया जो आपको यहाँ पर जस्टिफाई करना होगा। पहला बात आपने एज्यूम क्या किया था कि बियरिंग की वैल्यू आपके शियरिंग से ज़्यादा आई है, दूसरा आपने एजम्पशन यूज़ किया है कि मिनिमम ई के लिए एंड डिस्टेंस के लिए, दोनों अभी आपको निकालना पड़ेगा। जरा देखिए ये निकल जाएगा बियरिंग को यूज़ करके। देखिए नाउ अब मैं काम क्या करता हूँ, बियरिंग चूंकि आपको ई और पी पता चल गया था, आप बियरिंग कैपेसिटी तो निकाल ही सकते हो ना। बियरिंग कैपेसिटी क्योंकि यहां से ही दोनों चीजें प्रूफ हो जाएगी, ऑफ बोल्ट क्या भी डी पी बी इसको लिखते थे, ये आपको कहाँ मिलेगा जी, ये आपको मिलेगा क्लॉज नंबर 10.3.4 में, पेज नंबर इसका 75 है, यहां पर आपको मिलेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, इसमें आप क्या करिएगा, आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा जी, के भी निकाल लेते हैं हम लोग डायरेक्ट, क्योंकि अब इतना हम लोग पढ़ चुके हैं यार, बार बार क्या फॉर्मूला को पूरा लिखे, के भी निकालते हैं। के भी पहला क्या था, ई डिवाइड बाई 3D0, ई का वैल्यू आपने कितना फाइंड आउट किया है, ई 33, 3 × 22, इसको सॉल्व कीजिए 0.5 आएगा। दूसरा काम करके देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, पी माइनस 3D0 माइनस 0.25, पी डिवाइडेड बाई 3D0 माइनस 0.25, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको वैल्यू दे देगा कितना 0.96। तीसरी बात क्या कहेगी, तीसरी बात कही गई है एफ यू बी डिवाइडेड बाई एफ यू, ये आपको आ जाएगा कितना 0.975। और चौथी और बहुत बड़ी बात कही गई है कि एक से कम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या है आपके, 5 है, 0.5, तो आप क्या कीजिएगा टेक के बी इज इक्वल टू 0.5। अच्छा ये मस्ती मजाक वाला काम नहीं कर रहे हम लोग, ये बड़ा सीरियस काम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी आपको इसकी सीरियसनेस पता चलेगी। सो VDPB, हाँ VDPB, अरे मान जा, अच्छा ऐसा बोलने से मान जाता है ना। VDPB बराबर क्या हो जाएगा 2.5, के भी आपने कितना निकाला है, के भी आपने निकाला है 0.5, ठीक है। डी आपके पास डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना है 20, थिकनेस कितना है 10, एफ यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 410। इस टोटल को आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए 1.25 से, तो आप देखिएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 8200 न्यूटन। देखिए ये हम लोग चेक वाला काम कर रहे हैं ना, RCC में हम लोग करते थे ना, कुछ कुछ चेक लगाते थे, उस तरह से ये चेक का काम हो रहा है। तो VDPB इक्वल टू आपके पास कितना आया 82 किलो न्यूटन। देखिए यहां से आपने दो सवालों के जवाब निकाल लिए। अभी आपके पास देखिए VDPB कितना आ रहा है, जब आपने पिच जो है वो 80 ले लिया और ई मिनिमम एज्यूम किया कितना 33, तब आपके पास VDPB यानी बियरिंग स्ट्रेंथ यानी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द वन बोल्ट कितना आ रहा है 82, और आपने शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द वन बोल्ट कितना निकाला था, जिसको आप क्या कह रहे थे VDSB, इसकी वैल्यू आप लोगों ने कितना निकाला था, ये निकाला था आपने 81.47 किलो न्यूटन। ओहो, थोड़ा सा के लिए जान बच गया। तो देखिए ये वैल्यू जो है VDPB यानी शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन बोल्ट, ये ज़्यादा है किससे, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वन बोल्ट ज़्यादा है किससे, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वन बोल्ट से। इसका मतलब है जो आपने पहली बार किसी चीज़ को एज्यूम किया था किस चीज़ को कि बियरिंग वाला ज़्यादा होगा, वो बात आपने सच साबित कर दी।
यहां से एक और बात समझ में आएगी आपको, क्या समझ में आएगी, चूंकि अब बियरिंग बड़ा हो गया, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो ई मिनिमम माना था वो हमारा ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, इन केस अगर ऐसा नहीं होता, तो आपको क्या करना पड़ता, आपको करना पड़ता यहां पर आकर के ई की वैल्यू को आपको बढ़ाना पड़ता, क्योंकि सारा खेल तो इसी पर डिपेंड करता है ना। आपने यहां से मिनिमम 0.5 लिया, अगर 0.5 की जगह थोड़ा सा और बड़ा वैल्यू आ जाए तो क्या होगा, ई का वैल्यू और ज्यादा मिलेगा आपको और फाइनली जो है बियरिंग बड़ा मिलेगा। तो मिला जुला करके अपना काम इससे हो गया, और यहां पर आपको एक काम लिख देना पड़ेगा बड़ा स्टार मार्क करके कि हेंस हेंस देयर देयर इज नो नीड टू इंक्रीज इंक्रीज द एंड डिस्टेंस। ठीक है जी, यहां तक आपने जो है वो पूरा काम किया, खुद को थोड़ा ले आया जाए। देखिए, ये सवाल जितना आसान दिख रहा था उतना आसान था नहीं, ये बात मैं भी मानता हूँ। थोड़ा सा इसमें क्या था, ट्रिक था, जो ट्रिक आप लोगों ने क्या किया, अप्लाई किया, पर पिच के हिसाब से सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया, और फाइनली आपने पिच और इन डिस्टेंस भी बता दिया, बोल्टिंग का पैटर्न भी बता दिया, और क्या बता दिया आपने, आपने ये भी बता दिया कि नंबर ऑफ बोल्ट कितने लगेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम में आपको ब्लैक टाइप का दिख रहा है ना, ये वाला यही है आप जो आप देख रहे हैं ना, ये है आपका क्या, पैकेजिंग प्लेट। जब इसका इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 mm से ज़्यादा होगी, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको रिडक्शन फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ ये सवाल खत्म होता है। इसको आप कम से कम 2-3 बार देखिए, क्योंकि अगर आप इसको 2-3 बार नहीं देखिएगा तो कन्फ्यूजन आपको रह ही जाएगा। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और क्या करिए, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।